हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन GDR में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारी पहली क्लास है। स्पोकन इंग्लिश में जब हम प्रारंभ करते हैं तो जनरली स्पोकन इंग्लिश में तीन चार चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अगर ये तीन चार चीज़ें आपको आती हैं तो आप बड़े आसानी से अंग्रेज़ी सीख सकते हैं। यह क्लास उन लोगों के लिए है जो अंग्रेज़ी बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं। अब वो तीन चार चीज़ें क्या हैं जिनकी हमें आवश्यकता पड़ती है? सबसे पहले तो सब्जेक्ट, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब, और तीसरा होता है मेन वर्ब, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। ये टोटल मिला के चार चीज़ें हैं और इनको आपको सीखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये चीज़ें आपको पहले से आती हैं। ज़रा टेस्ट कर लेते हैं आपको कैसे आती हैं। ज़रा देखिए, आई, आई क्या होता है? मैं। आई क्या होता है? मैं। यू क्या होता है? तुम। वी क्या होता है? हम। दे क्या होता है? वे। ही क्या होता है? वह है, कोई लड़का। सी क्या होता है? वह है, कोई लड़की। इट क्या होता है? कोई एनिमल, कोई नॉन लिविंग बींग। ओके, SN क्या होता है? सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर होता है कोई भी थर्ड फॉर्म, चाचा, चाची, मम्मी, पापा, भाई, बहन, दूध वाला, कपड़े वाला, पेपर वाला, जो भी आपका होता है वो सब क्या होता है? थर्ड फॉर्म में आता है। कोई भी रिश्तेदार हो सकता है, मामा जी, मौसा जी, बुआ, टीचर, मैडम, शिक्षक, विद्यार्थी, ये सब थर्ड फॉर्म में आते हैं। उसी के बाद हम बात करते हैं कि PN, प्लूरल नंबर। ये प्लूरल नंबर क्या होता है? जैसे कि बच्चे, बच्चियाँ, लड़के, लड़कियाँ, विद्यार्थी, महिलाएँ, पुरुष। जब संख्या जो है दो से अधिक होती है, दो या दो से अधिक होती है, तो हम उसको किस में रखते हैं? प्लुरल में रखते हैं। आई बात समझ में? क्या आपको सब्जेक्ट सीखने की ज़रूरत है? आई थिंक नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट आपको आते हैं। अब एक चीज़ ख़त्म, मैंने बोला था चार चीज़ें सीखना है, एक चीज़ ख़त्म आपकी, ये आपको नहीं सीखना। आई क्या होता है? यू क्या होता है? वी क्या होता है? दे क्या होता है? ही, सी, इट, SN, ये सारे आपको पता चल गए। अब हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ती है टेंस के अनुसार, लेकिन सभी टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। जैसे कि हम देखें कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल टेंस में इंडेफिनेट बनाने में तो नहीं लगती। मैं इतने कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा, आपको ये भी नहीं समझना कि इंडेफिनेट क्या होता है, ये बात की बात है। चलो ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, Do, does, did, will, shall, has, have, had, ये सब क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब होती हैं। अब हेल्पिंग वर्ब के टाइप में नहीं जाएंगे हम कि कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। एक्सलरी वर्ब भी होती हैं और मॉडल वर्ब भी होती हैं। एक्सलरी वर्ब वो होती हैं इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, और मॉडल वर्ब क्या होती हैं? कैन, कुड, शुड, मे, मस्ट, माइट, ये सब मॉडल वर्ब होती हैं। ठीक है, इन पर भी हम बात नहीं करेंगे, बस समझ गए थोड़ा सा कि हेल्पिंग वर्ब की हमें आवश्यकता पड़ती है। पहला सब्जेक्ट, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, तीसरा हम जब इंग्लिश बोलेंगे तो हमें वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। वर्ब मतलब कार्य, मतलब एक्शन, क्योंकि बिना एक्शन के तो आप बोल ही नहीं सकते, तो एक्शन तो आपको चाहिए ना भाई। अब देखते हैं अब कैसी एक्शन चाहिए आपको। उदाहरण के तौर पर जाना क्या होता है? गो। आना, कम। खेलना, प्ले। पढ़ना, रीड। नाचना, डांस। मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ कुछ तो आपको पता ही होंगे जो बहुत कॉमन है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम उठते बैठते, जागते, खेलते, ये सब बोलते रहते हैं। आना जाना, खेलना, कूदना, उठना, बैठना, पढ़ना, पढ़ाना, कोशिश करना, धोखा देना, ठीक है, मारना, पीटना, घसीटना, खींचना, फेंकना, साफ करना, ठीक है, आदर करना, सम्मान करना, प्यार करना, पसंद करना, याद करना, ये सब तो आपको पहले से पता है, तो ये भी नहीं सीखना, क्योंकि अब सीखी सिखाई चीज़ को क्या सीखना। ठीक है, तो हमें वर्ब भी नहीं सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब के फॉर्म सीखना पड़ेगा। तो जब हम अगले टेंस पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि वर्ब के कौन कौन से फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है, आपको सब्जेक्ट हो गया क्लियर, आपको हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो गई, वर्ब क्लियर हो गई आपकी। अब बात आती है ऑब्जेक्ट की। कोई भी सेंटेंस जब आप बनाते हो तो ऑब्जेक्ट भी चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कार्य, जिस पर कार्य होता है। उदाहरण के तौर पे मैं पढ़ाता हूँ,
तो मैं हो गया सब्जेक्ट, पढ़ाना हो गया वर्ब। अब किसे पढ़ाता हूँ, मान लीजिए आपको पढ़ाता हूँ, आई टीच यू, तो यू, आप क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। मतलब कार्य किसके ऊपर होता है, आपके ऊपर होता है। जैसे मैंने कहा मैं आम खाता हूँ, तो मैं आई ईट और क्या खाता हूँ, आम खाता हूँ। तो अब अपन देख लेते हैं कि दो चीज़ें तो आपको पता थी, सब्जेक्ट भी पता था आपको, और आपको हेल्पिंग वर्ब थोड़ी थोड़ी पता थी, परंतु वर्ब सभी को पता है, क्योंकि आना जाना, खेलना कूदना, उठना बैठना। हाँ, जो कठिन वर्ब होगी वो भले ही आपको पता ना हो, जैसे मैंने कहा कोई चीज़ दीवार में चिपकाना और फिर दीवार से उखाड़ना, हो सकता है आपको पता ना हो, ठीक है। हो सकता है आपको डूबने की वर्ब पता ना हो, ठीक है। हो सकता है आपको खोलने की वर्ब पता ना हो, बंद करने की ना हो, और हो सकता है आपको हो, बहुत अच्छी बात है। तो वर्ब भी आपको पता है। अब हम बात करते हैं वर्ब के बाद, अब हम बात करेंगे क्या लास्ट में, जो मैंने कहा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दरअसल होता है वस्तु, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह भी पता है। जैसे कि वस्तु हैं, अब देखिए हम सारी वस्तुओं को तो अंग्रेज़ी में बोलते हैं, शायद ही है कि हम किसी वस्तु को हिंदी में बोलते हैं, बल्कि मैं तो ये दावा कर सकता हूँ कि आपको हिंदी में नहीं आएगा उसका नाम। उदाहरण के तौर पे, जब आप सुबह उठते हो, ठीक है, तो दांतों में क्या घिसते हो, ब्रश। आपके ब्रश के ऊपर क्या लगाते हो, पेस्ट, टूथपेस्ट, ठीक है। जीभ किससे साफ करते हो, टंग क्लीनर, जी भी बोल देते हैं कुछ लोग, टंग क्लीनर। अब जैसे ही आप थोड़े अंदर आते हैं घर में, फिर आप पीते हो क्या, चाय, चलो हिंदी हो गई। अब चाय किस में पीते हो आप, कप, इंग्लिश हो गया कप। अब चाय जिसके ऊपर बनती है उसको क्या बोलते हो, स्टोव। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा था ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट में आप चाय किस में पीते हैं, कप में। चाय कैसे बनती है, कहाँ बनती है, तो आप कहेंगे स्टोव के ऊपर बनती चाय, स्टोव, ये भी इंग्लिश शब्द हुआ। उसके बाद आपने देखा होगा कि थोड़ी देर बाद फिर आप नाश्ता करेंगे, नाश्ता किस में करते हैं, प्लेट में करते हैं। नाश्ता करने के बाद आप पानी पियेंगे, किस में पीते हैं, ग्लास में पीते हैं। वो पानी अगर आपको ठंडा चाहिए तो ठंडा पानी कहाँ से मिलेगा आपको, फ्रिज में से मिलेगा, ठीक है। अब आप बताइए मुझे कि इतने सारे वर्ड आपने बोले, चलो और देख लेते हैं। मान लीजिए ये मैंने क्या पहनी है, शर्ट, ये मेरे हाथ में क्या है, मार्कर, ये मेरे हाथ में क्या है, वॉच, ऊपर क्या चल रहा है, फैन, पीछे क्या है, बोर्ड, ये मैंने क्या पहना है, पैंट, ठीक है, और ये क्या है मेरे इसमें, बटन, ठीक है। और चलो बात करते हैं कि नीचे क्या पहना है मैंने, सूज, सूज के अंदर क्या पहना है, सॉक्स, जिसमें रिकॉर्ड हो रहा है ये क्या है, कैमरा, ठीक है, और जो रिकॉर्ड कर रहा है इसको क्या बोलेंगे, माइक। तो अब मुझे बताइए क्या इनमें से कुछ भी ऐसा शब्द है जो आपने हिंदी में बोला है, संभवतः नहीं बोला है। इसका मतलब आप यह भी आपको नहीं सीखना है। फिर सीखना क्या है, जब आपको सब्जेक्ट भी पता है, हेल्पिंग वर्ब भी पता है, ऑब्जेक्ट भी पता है, आपको वर्ब भी पता है, सब कुछ पता है, तो फिर सीखना क्या है आपको, फिर सीखना क्यों चाहते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको क्या सीखना है, आपको इन सब चीज़ों को मिलाकर बोलना सीखना है, आपको इन सब चीज़ों को जोड़कर बोलना सीखना है। जैसे कि हम इंग्लिश तो बोल लेते हैं, हम ऐसा बोल देते हैं कि कल, बल्कि ये बोल देते हैं, एस्टरडे मैं मार्केट गया था अपने फ्रेंड के साथ, तो देखो इसमें ज़्यादातर तो इंग्लिश है, लेकिन काश हम इसको ऐसा बोल पाते, एस्टरडे आई वेंट टू मार्केट विथ माई फ्रेंड, ऐसा बोलते तो और ज़्यादा इम्प्रेसिव होता। जैसे हम कहते हैं कि मैं डेली स्कूल जाता हूँ, अब आपने पूरा तो बोल दिया कि मैं डेली स्कूल जाता हूँ, डेली स्कूल जाता हूँ, अगर इसे ऐसा बोल देते आई गो टू स्कूल डेली, सीख गए, क्या दिक्कत है। अब जैसे मैंने कहा कि मुझे यह क्लास, मैं इस क्लास को लाइक करता हूँ, मान लो मैंने कहा मैं इस क्लास को लाइक करता हूँ, अगर मैं ऐसा बोल दूँ आई लाइक दिस क्लास, या मैं कहूँ मैं इस क्लास को लाइक नहीं करता हूँ, तो मैं बोल दूँ आई डोंट लाइक दिस क्लास, क्योंकि मुझे पता है कि मैं मतलब आई होगा, लाइक मतलब पसंद करना होगा, और क्लास जनरली हम बोलते रहते हैं क्लास, बस इतना सा फ़र्क है। अंग्रेजी सीखने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आज हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो पाए, इसलिए इस वीडियो में इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में हम बोलने की प्रैक्टिस करेंगे कि किस प्रकार से हम सेंटेंस बना सकते हैं और बोल सकते हैं। अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो मेरी गारंटी है कि लेसन बाय लेसन आपको बहुत अच्छे से अंग्रेजी बोलना आएगा, और आपको सीखना है, आपका हक है सीखना, आपको आना भी चाहिए। थैंक यू वेरी